हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अपडेट्स की जिसे आप सुनना और जानना चाहते होंगे और वो अपडेट्स आपके सामने लेकर आ गई हूं। फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि सुबह सुबह आप में से कई लोगों ने मुझे एक पिक्चर भेजा। इनफैक्ट मैं भी जब सुबह उठी और मैंने स्क्रॉल किया कि भाई इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है, इंस्टा की दुनिया में क्या क्या चल रहा है, तब मुझे एकदम से साहिल की तरफ से अपडेट दिखाई दिया कि वो गोवा जा रहे हैं। अब डेफिनेटली दिमाग में आता है कि गोवा क्यों जा रहे हैं, मतलब कोई गर्मी में गोवा थोड़ी जाता है। एक्चुअली गोवा जाने का समय तो ईयर एंडर होता है जहां थोड़ा सा ठंडा माहौल, अच्छा माहौल हो जाता है, लेकिन गोवा जैसी जगह कोई क्यों जाता है, तो उसका जवाब ढूंढने के लिए मैं लग गई और फिर इधर उधर से इन्फॉर्मेशन निकालने लग गई। और अब इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि पवनदीप और उनकी पूरी टीम जो है वो गोवा जा रही है, छुट्टियां मनाने जा रही है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि पवनदीप इस समय जो मेजर फोकस उनका चल रहा है वो सॉन्ग रिकॉर्डिंग पर चल रहा है। एट द सेम टाइम उनका एसएसट्री चल ही रहा है, हम लोग मिल ही लेते हैं कभी एसएसट्री में, जब भी बुलाया जाता है चैनल की तरफ से, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक स्पॉटिंग की तरह से हो जाता है कि हाँ भाई ये लोग शूट कर रहे हैं, इनका शूट चल रहा है। तो पांचों कैप्टन्स मिल जाते हैं, फिर साथ में हम लोगों को नेहा मिल जाती है और फिर साथ में हम लोगों को हर्ष भी मिल जाते हैं। और इस बार जो आने वाला है वो तो डेफिनेटली मां स्पेशल आ रहा है एंड मीनाक्षी शेषाद्री भी दिखाई देने वाली है। सो इट लुक्स गुड एंड वेरी प्रॉमिसिंग। मैं पहले ही बताकर रख रही हूं कि आपको बहुत सारे आंसुओं से भरकर जाने वाला है ये मां स्पेशल, क्योंकि मैं तो हर बार रोती हूँ, कहीं भी मां स्पेशल हो तो मैं तो रोने लग जाती हूँ। तो खैर, इससे जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके सामने लेकर आ ही जाऊंगी, लेकिन हाल फिलहाल तो ये बात मान लीजिए कि पवनदीप इस समय जो है लाइव शो के लिए जा रहे हैं गोवा। और क्या गोवा में मतलब इट्स अ प्राइवेट शो और पब्लिक शो, तो आई रियली विश ये पब्लिक शो होता तो हमको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो देखना मिल ही जाता, लेकिन हाँ ये एक प्राइवेट शो है। इस बात के लिए खुशी मनाइए कि ही इज डूइंग शोज, उसकी आवाज दुनिया में अलग अलग तरीके के लोगों में, अलग अलग स्टेट्स के लोगों में पहुंच रही है। तो पवनदीप का गोवा में शो है और डेफिनेटली आज के दिन तो है ही, एक और शो है विच इज टुमोरो ऑल्सो। सो एक साथ उनके दो दो कॉर्पोरेट शो लगे हैं और इन शोज की वजह से पवनदीप को और उनकी टीम को गोवा जाना पड़ा है। अब इतनी चांदनी रात जब दोपहर में निकल रही है तो मैं ये तो सजेस्ट नहीं कर सकती कि इनकी टीम मेंबर्स को कहीं जाइए बाहर घूम फिर कर आइए, लेकिन हाँ अब गोवा में थोड़ा एसी वैसी में रह लेना यार, बहुत ज्यादा गर्म है, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको बहुत मौके देगा कि आप गोवा में जाके एंजॉय कर सके, शूट कर सके, अभी थोड़ा सा ध्यान रख के जाना, बहुत गर्मी है भाई। तो चलिए इस लगातार होने वाले दो शोज के लिए पवनदीप को ऑल द बेस्ट कह देते हैं कि अच्छे से परफॉर्म करना और बाकी तो तुम जानते हो क्या करना है और लोगों को कैसे दीवाना बनाना है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको क्या कहना है जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।